इसराइल और हमास के बीच जंग जारी है। तेज होते इस महायुद्ध में मरने वालों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। अब तक करीबन 1100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसराइल में करीब 18,000 भारतीय भी रहते हैं। ये भारतीय उन इलाकों में रहते हैं जहां हमास के आतंकियों ने एयर स्ट्राइक की थी। इन्हीं में से इस हमले की चश्मदीद एक महिला नर्स ने आंखों देखा हाल बताया। दरअसल इस हमले में केरल की एक नर्स फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास के हमले के दौरान घायल हो गई। महिला ने बताया कि जब वो भारत में रहने वाले अपने पति के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रही थी, तभी हवाई हमलों ने उसे डरा दिया। महिला का नाम शिजा आनंद है, जो 7 साल से इसराइल में है। शिजा शनिवार को हुए हमास हवाई हमले में घायल हो गई। शिजा का कहना है कि वो अब तक उस खौफनाक मंजर को भूल नहीं पाई है। हमले के बारे में बात करते हुए शिजा ने बताया, उस वक्त मैं अपने पति से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। धमाका इतना शक्तिशाली था कि कॉल कट गई। मैंने दोबारा फोन मिलाया ये बताने के लिए कि मैं घायल हो गई हूँ लेकिन सुरक्षित हूँ। इसके बाद शिजा की एक साथी ने उनके पति आनंद को इत्तला दी कि शिजा घायल हो गई है। उन्हें सर्जरी के लिए अस्पताल ले जाया गया था और एक और सर्जरी के लिए अब उन्हें दूसरे अस्पताल में ट्रांसफर किया जाएगा। शिजा के पति और उनके 2 बच्चे भारत के पुणे में रहते हैं। इसी बीच केरल के 200 से अधिक लोग बेथलहम के एक होटल में फंसे हुए हैं। हालांकि खबर है कि वो सुरक्षित हैं। मलयालम अखबार मातृभूमि की रिपोर्ट की माने तो समूह के सदस्यों में से जॉय ने कहा है कि उन्हें सामूहिक कार्यक्रम में भाग लेने के दौरान हवाई हमले का सायरन सुनाई दिया। समूह को बेथलहम में अपने होटल में ही रुकने के लिए कहा गया। उनके तय कार्यक्रम के मुताबिक उन्हें सोमवार को मिस्र के लिए रवाना होना था। इसी बीच बताया जा रहा है कि कोची के तकरीबन 45 लोग फिलिस्तीन के एक होटल में फंसे हैं। मातृभूमि अखबार के अनुसार समूह सुरक्षित है और इसे सीमा पार करने की अनुमति मिल गई है। इसराइल में भारतीय राजदूत और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को इसराइल की स्थिति से अवगत भी कराया गया है।